हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो भाई आप सभी लोग? वेलकम टू माय ब्लॉग। और भाई मैं आ गया हूँ अपनी स्कूल पे। अब इसको इंजन को जो ना यहाँ जो उतारेंगे इसको भाई, आज इसको इंजन को उतार देंगे यहाँ से। ये देखो, यहाँ से वो बोल्ट थे इसके, जो ऊपर वाले जो बोल्ट मैं बता रहा था ना आपको, यहाँ पे थे बोल्ट। ये वाले बोल्ट है ना, ये थे, क्योंकि ये जो हाइड्रोलिक वाली है ना, ये टंकी ऊपर थी इसके, तो फिर यहाँ खुलने हैं ना मुश्किल हो रहे थे बहुत। तो ये तो भाई इसका फिर ये मशीन का वो हटा के, डैशबोर्ड आगे का, और ये जो हाइड्रोलिक की टंकी है ना, ये सरका दी केबिन के अंदर। फिर ये बोल्ट हाथ आ गए इसके अच्छी तरह से, बढ़िया सारे बोल्ट खोल दिए। आज को इंजन को तुम यहाँ से उतारेंगे, फिर इसका काम होगा भाई। ठीक है, अभी भाई इसके ये वाले जो बोल्ट है ना, जो ये साइड वाले जो फाउंडेशन की बोल्ट है ना, ये यहाँ पे ये और खोल दूंगा। ये दो बोल्ट है इसके, ठीक है। तो इसको खोल के और फिर इंजन को काटते हैं बाहर, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। वो मशीन भी आ गई, उससे ही काट देंगे इसको बाहर, ठीक है भाई। और भाई ये इसकी जो वायरिंग होती है ना, जो गियर बॉक्स की हार्नेस, वो मैंने करवाई हुई है, ठीक है। ये की गियर बॉक्स की वायरिंग है पूरी, यहीं पे रख दी थी मैंने। डैशबोर्ड के अंदर फिटिंग थी इसकी, ये इसकी रिले जो होती है ना गियर बॉक्स की, उसकी। ठीक है भाई, मैं खोलता हूँ इसको, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या कुछ किया है मैंने। तो भाई ये बोल्ट खोल दिए मैंने फाउंडेशन वाले, और चैन कुप्पी भी आ गई है। चैन कुप्पी से उतारेंगे, यहाँ पे अटका देंगे चैन कुप्पी को ऊपर, ठीक है। अब इसको इंजन को उतारेंगे, सिर्फ एक बोल्ट छोड़ रखा है मैंने सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए। इसके अंदर एक बोल्ट छोड़ा हुआ है मैंने। और भाई अब की बार है ना, इसके सारे ये जो गुटके हैं ना, ये बदल दूंगा, जो गियर बॉक्स वाले हैं ना, सारे चेंज कर दूंगा अब की बार, क्योंकि भाई ये बार बार तो ये बहुत मुश्किल होती खोलने में। खुला तो है इंजन, अब इसके पूरे गे गुटके, ये वाले गुटके और जो बोल्ट है ना, वो भी दूसरे बदल दूंगा, फिर बढ़िया हो जाएगी ये टंकी। भाई इसकी केबिन में आ रही है हाइड्रोलिक वाली जो टंकी है ना, अगर ये टंकी अगर साइड में होती ना, जहाँ पे अब आ रही है, अब जो मशीनें आ रही है उनकी साइड में टंकी होती है उनकी, और बैटरी उसके नीचे होती है हाइड्रोलिक में, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो डीजल टैंक, और अगर ये टैंक यहाँ से हट जाता ना, फिर एकदम बढ़िया स्पेस होता यहाँ पे, एकदम खोलने के लिए खुला स्पेस, एकदम उससे भी ज़्यादा स्पेस होता इसके अंदर, अगर ये टंकी यहाँ पे ना होती तो। ठीक है भाई, तो भाई मैं इसका ही फिल्टर खोल रहा हूँ। इसके अंदर एक फिल्टर होता है, जो हाइड्रोलिक टैंक होता है ना, इसके अंदर मैं इसको खोल रहा हूँ एक बार, क्योंकि वो देखना पड़ेगा फिल्टर सही भी है खराब है। ओ, इसके अंदर तो भाई कुछ भी ना है। हाँ, यहाँ पे एक फिल्टर सा है, यहाँ पे जो ये पाइप है ना, इसके अंदर ही फिट है ये फिल्टर, ये दिख रहा होगा आपको। इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, इसके अंदर तो ये खाली है बिल्कुल टैंक। ये तो साफ करने के लिए होगा, जो इसका होल बना रखा है ना ये। ठीक है भाई, यही था बस इसमें तो। तो भाई 12 बज रहे हैं, और अभी इसका इंजन उतरा नहीं है, दो तीन आदमियों की जरूरत पड़ेगी मुझे, तो वो बुला रखे हैं, आएंगे थोड़ी देर में, फिर इसका इंजन उतारेंगे, ठीक है भाई। क्योंकि
क्योंकि चैन गुप्पी से चैन गुप्पी ऊपर उठा देगी और फिर ये खींचना पड़ेगा बाहर की साइड, तो भाई वो आ जाते इतने दो तीन आदमियों की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। और फिर इसका वो जो चार्जिंग पंप है ना वो भी काटना पड़ेगा बाहर, क्योंकि जो मशीन स्लो चलती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, चार्जिंग पंप को भी काट दूंगा इंजन बाहर आने के बाद, उसका भी काम हो जाएगा साथ साथ। ठीक है भाई, देखते कितनी देर में आते हैं वो, फिर इसको उठा के काट देंगे बाहर। ठीक है, और एक इसका रेडिएटर का भी काम होगा भाई, क्योंकि ये लीक होता है रेडिएटर कहाँ से होता है ये तो एक बार देखना पड़ेगा। इसको डाल के आऊँगा मिस्त्री के पास, वो करेगा इसको सही शायद, है ना, यहाँ से ये लीक है यहाँ से ये वाले। ठीक है, तो वो अपना आप देख लेगा, साफ होएगा रेडिएटर पहले फिर। और बाकी जो ये हाइड्रोलिक वाले कूलर है और एक वो इंटर कूलर है, वो तो मैं यहीं पे ही कर दूंगा साफ, इनको पानी भी मार दूंगा और हवा भी। ये देखो भाई, बिल्कुल ख़राब हो रहे हैं हाइड्रोलिक वाले। ठीक है, तो भाई अब बज रही है 5 और हमने इंजन उतार दिया है, वो इंजन रखा हुआ। ठीक है, मशीन से उतारा था, और ये इसका चार्जिंग पंप है। हमने अब ये और खोलूँगा, इसका बोल्ट तो खोल दिए। ठीक है, अब इसको एक बार चेक और करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है खोलना। ठीक है, और भाई ये इसका इंजन रखा हुआ, ये इसका टॉर्क कन्वर्टर होता है। ठीक है, चार्जिंग पंप इसमें ऑयल का प्रेशर फेंकता है, इसमें ऐसे दाते होते हैं ये। ठीक है, और भाई ये वाले बोल्ट थे वो जो टूटे हुए थे, ये 4 बोल्ट, इनकी वजह से पूरा इंजन बाहर आया। ठीक है, और तो भाई बिल्कुल सही है इंजन, तो भाई इंजन आने के बाद बाहर आने के बाद कुछ ऐसी बचती है मशीन यहाँ पे। ठीक है, गियर बॉक्स थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, तो इसको जब करेंगे ना, जब इंजन करेंगे फिट, जब इसको कर देंगे सीधा, चार्जिंग पंप और हटाना पड़ेगा इसमें से जब ये काम होगा। और भाई ये थोड़ा इंजन वाला जो फिल्टर है ना, ये भी डैमेज हो गया, ये बदलूँगा इसको भी फिल्टर को, और तो सब सही है इसके अंदर बिल्कुल। ये इंजन है भाई मशीन का। और भाई अब मैं भरूँगा 2 ट्रॉली मिट्टी की इस वाली मशीन से, और फिर बस मैं जा रहा हूँ घर अपने, क्योंकि अब हो रही है शाम। 2 ट्रॉली भरनी है, दोनों ट्रॉली एक साथ भर दूंगा जल्दी जल्दी। ये मशीन है तो ऐसी, मतलब पूरी हिलती है ऐसी वैसी वैसी। ठीक है, तो भाई एक ट्रॉली भर दी है, अब ये वाली ट्रॉली और भरूंगा। ठीक है, 2 ट्रॉली हो जाएगी फुल, तेरे जाऊंगा अपने घर। बस बहुत हो गया आज तो भाई, ज्यादा ही काम हो गया तो कुछ। ठीक है, तो भाई मैं आ गया घर, और मैं नहा नो के रेडी हूँ बिल्कुल। ठीक है, और आज का व्लॉग था भाई इतना ही बस। ठीक है, तो कल मिलते हैं आपको एक और व्लॉग के साथ।